जब हम कोई एप्लीकेशन को नीचे से ऊपर भी ला सकते हैं तो हम उस एप्लीकेशन को नीचे भी ला सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कभी सोचा नहीं था कि मुझे इस तरीके का वीडियो भी बनाना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया चाइना के बारे में, मतलब बॉयकॉट चाइना के बारे में। सो फ्रेंड्स, आजकल क्या हो रहा है, हम बहुत सारी प्रोडक्ट्स को ऐसे यूज़ कर रहे हैं जो कि चाइना में बनी हुई होती है और हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। मान लीजिए ये जो मोबाइल है या फिर कैमरा है, ये मेरा माइक है, वो सब कुछ चाइना में बना होगा तो हमें उसे यूज़ करना ही होता है, तो हम इन सभी चीज़ों को यूज़ करते हैं। बट अब ऐसे ही हम डायरेक्ट स्विच नहीं कर सकते कि भाई ये सभी प्रोडक्ट्स मुझे नहीं चाहिए और मुझे दूसरे प्रोडक्ट चाहिए, वैसा कुछ हम नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स, हमें स्लोली स्लोली चेंज करना होगा कि भाई हम अपने देश की चीज़ें खरीदें और वो सब कुछ करना होगा। बट एक चीज़ है जो कि आप इजीली स्विच कर सकते हो, वो है सॉफ्टवेयर। अपने फ़ोन में बहुत सारी चाइनीज एप्लीकेशन होती है जो कि अपना जो डेटा है ना वो लीक कर सकती है या फिर करती है, वो भी हम कह सकते हैं। सो फ्रेंड्स, उसे हमें स्विच कर देना चाहिए, मतलब जो चाइनीज एप्लीकेशन होती है ना वो आपको रिमूव कर देनी चाहिए अपने फ़ोन में से। और मैं आपको ये भी कहता हूँ कि किस तरीके से चाइनीज एप्लीकेशन है ना वो आपके डेटा को लीक कर सकती है या फिर लीक करती है। मान लीजिए आपने कोई भी चाइनीज एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल किया है, तो आपके फ़ोन में जैसे ही आप इंस्टॉल करते हो एप्लीकेशन, तो सबसे पहले पूछते हैं भाई कॉल्स एंड ब्लॉक्स की मुझे परमिशन चाहिए। तो अगर आप उसे डेनी देते हो, डिनाई करते हो, तो डायरेक्ट एप्लीकेशन ही बंद हो जाती है, मतलब परमिशन के बगैर वो स्टार्ट ही नहीं होती एप्लीकेशन। तो हम सभी परमिशन को एक्सेप्ट कर देते हैं, मतलब लोकेशन की देते हैं, स्टोरेज की देते हैं, कॉल्स एंड लॉक्स की देते हैं, एसएमएस की भी दे देते हैं, तो सब तरह के परमिशन वो पूछ लेती है और हम दे देते हैं आसानी से। तो वो हमारी सभी की सभी डिटेल रीड कर सकती है ईजिली, तो इस तरीके से हमारा सभी डेटा वो एक्सेस कर सकती है। अगर वो अपने फ़ोन से डेटा लेती है और बाद में जाके चाइनीज़ गवर्नमेंट उस एप्लीकेशन डेवलपर को ऐसा कहती है कि मुझे ये सभी की सभी डिटेल चाहिए भाई, परमिशन जो तूने ली थी उन सभी की डिटेल चाहिए, उन सभी का डेटा चाहिए, तो कोई चाइनीज़ डेवलपर उसे मना नहीं कह सकता कि भाई चाइना गवर्नमेंट को मैं ये डेटा नहीं दूंगा, वैसा कुछ भी नहीं कह सकता। और डायरेक्ट उसकी डेमोक्रेसी ऐसी है कि भाई वो डेटा दे देते, अगर चाइनीज़ गवर्नमेंट आस्क करती है उन सभी के पास का डेटा तो डायरेक्ट दे देती है डेटा। अगर वो डेटा उन कंपनी ने चाइनीज़ गवर्नमेंट को दिया तो क्या हो सकता है, आपके पास से लोकेशन की परमिशन लेती है। तो इस तरह से ये होता है कि आप डेली कहाँ पे जाते हो, आप कितना फिट रहते हो, आप कितना एक्टिव हो अपने डेली लाइफ में, वो सब कुछ परमिशन वो सब कुछ डिटेल उसके पास चली जाएगी। मतलब आप जिम में जाते हो, आप कितना फिट हो, वो सब कुछ डिटेल चली जाएगी, आपके कॉन्टेक्ट से लेके मैसेज सब कुछ डिटेल चली जाएगी उसके पास, और वो डायरेक्ट अपने देश को खोखला बना देंगे। आप समझ रहे हो इस बात की गहराई कि यार बाहर बैठे बैठे हमारे देश पे वो लोग नज़र रखे हैं, ये सभी एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं ना उसकी हेल्प से। सो हमें एटलीस्ट अभी के लिए स्विच तो कर ही देना चाहिए चाइनीज़ एप्लीकेशन से, मतलब चाइनीज़ एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में से रिमूव कर देना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने 52 जितनी एप्लीकेशन को लिस्ट किया है कि भाई ये सभी एप्लीकेशन आप अपने फ़ोन में इस्तेमाल ना करें, ये सभी चाइनीज़ सॉफ्टवेयर को या फिर एप्लीकेशन को, तो उन सभी के नेम्स मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ वीडियो पे और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो उन सभी एप्लीकेशन को आप प्लीज़ रिमूव कर दीजिए, कुछ भी हो जाए रिमूव कर दो। और अभी आपने नहीं किया ना उस एप्लीकेशन को रिमूव, तो आप कभी भी नहीं कर पाओगे यार। तो सब कुछ एप्लीकेशन को जल्दी से अनइंस्टॉल कर दीजिए और स्लोली स्लोली हम हार्डवेयर को भी स्विच करना स्टार्ट कर देंगे कि भाई हम मेड इन इंडिया वाले कोई भी प्रोडक्ट लेंगे, जो कोई भी लेनी है। तो मैंने तो स्टार्ट कर ही दिया है, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले एक टीवी ऑर्डर किया था और मैंने देखा कि वो चाइनीज़ वाला है, तो मैंने वो ऑर्डर कैंसिल कर दिया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। और भी बहुत सारी ब्रांड्स है जो कि इंडिया में बनती है, बाहर की ब्रांड है, इंडिया में बनाती है सब कुछ प्रोडक्ट अपनी, वो भी आप ले सकते हो। तो यार जल्दी से प्लीज़ वो सब कुछ चीज़ें स्विच कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, अब देर किस बात की, तो जल्दी से अपना सैनिटाइज़र उठाइए, अपने हाथ को साफ कर लीजिए और जल्दी से अपना फ़ोन लीजिए और कुछ इस तरीके से सभी के सभी एप्लीकेशन को कर दीजिए रिमूव अपने फ़ोन में से और दिखा दीजिए अपने देश का पावर। जब हम कोई एप्लीकेशन को नीचे से ऊपर भी ला सकते हैं तो हम उस एप्लीकेशन को नीचे भी ला सकते हैं, तो अपनी औकात में रहो। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को दीजिए लाइक एंड शेयर, तो इस वीडियो को जल्दी से फैला दीजिए। और पहला काम ये कीजिए कि डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए उन सभी एप्स के नेम को, और आपके फ़ोन में है तो प्लीज़ रिमूव कर दीजिए। आई पर्सनली रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ रिमूव इट। आज से स्टार्ट करते हैं, 2 साल बाद सब कुछ हो जाएगा, हार्डवेयर भी स्विच कर लेंगे। तो बाय बाय। तो जल्दी से इस वीडियो को कर दीजिए लाइक शेयर, सब्सक्राइब भी कर दीजिए पहली बार देख रहे हो तो, क्योंकि हम टेक वीडियोस लाते रहते हैं और हम तो इंडियन ही है। तो बाय बाय।